हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अभी बिल्कुल ना करें। जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं होता है उससे पहले ना सब्सक्राइब करें चैनल को और ना ही लाइक करें। जब आपको वीडियो पसंद आता है तो उसके बाद डिसाइड करना कि आपको करना क्या है, हमारी और वीडियो भी आपको देखनी है या नहीं देखनी है। तो पहले कुछ नहीं करना है। और वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कुछ करो, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि गाड़ी के शीशे कैसे बनते हैं। तो मेरा एक साल का एक्सपीरियंस है, मैंने एक कंपनी है SI, उसके अंदर काम किया था जिसमें शीशे बनते थे। तो उसमें मैंने काम किया था 2013 के अंदर, जब मैं गाड़ी नहीं चलाता था, क्योंकि मैंने सीख तो पहले से रखा था लेकिन बाद में चलाने लगा हूँ। तो मैंने बीच में चलो एक साल या थोड़े बहुत टाइम कंपनी में काम करके देख लेते हैं। तो मैंने कंपनी में काम किया तो उसमें स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे शीशे बनते हैं और क्या कुछ बाहर से आता है और कैसे पैकिंग होकर जाती है। देखिए, सबसे पहले जो है कच्चा माल आता है, कच्चा एक होता है पैकेज, मान लीजिए एक चौकोर पैकेज होता है, उसमें पीस होते हैं, 500 पीस भी हो सकते हैं, 700, 1000, इतने पीस होते हैं उसमें। तो बस से लेके और छोटी गाड़ी तक सभी शीशे बनते हैं उसमें। तो कैसे बनते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले जो है इनकी कटिंग होती है, क्योंकि जो शीशा होता है वो चौकोर होता है, तो एक कटर होता है, कटर मशीन के द्वारा जैसे ही हम बटन दबाएंगे तो चारों ओर से वो गोलाकार में या फिर चौकोर आकार में जिस प्रकार से आप काटोगे वैसे वो कट जाएगा। कटने के बाद उस पीस को आगे कर दिया जाता है, फिर वहाँ से उसकी जो है छटाई होती है। उसको सबको हटाने के बाद फिर उसको जो है ग्राइंडर करते हैं। ग्राइंडर का मतलब ये होता है कि उसको घिसना, पूरे गोल एरिया को एक पानी और ग्राइंडर साथ चलता है शीशे में, उसको धीरे धीरे पूरा घिसते हैं। घिसने के बाद उसको जो है फाइनल चेक किया जाता है, जहाँ पे रिसेप्शन बोला जाता है। तो वहाँ पे उस जो कटिंग एरिया बता रहा हूँ ये, तो मैं फ़िलहाल कटिंग एरिया में लास्ट में चेक किया जाता है कि साइड में कोई चिप्स नहीं है। चिप्स का मतलब ये होता है कि जैसे ग्राइंडर कहीं पे ख़राब हो गया तो उसमें चिप्स रह जाता है साइड से, और वो वहीं से क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। चिप्स है या नहीं है, अगर शीशा बिल्कुल पास है तो वहाँ से पास करके शीशे को फिर भेज दिया जाता है प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग क्या होती है, जो भी आप शीशे के गोलाकार या चारों ओर ऊपर से लेकर नीचे दाएं बाएं चारों ओर एक प्रिंटिंग दिखती है आपको, और उसमें मार्किंग भी होती है SI की है या किसी और कंपनी की है। तो उसमें जैसे मार्किंग होती है, तो मार्किंग एक मशीन के द्वारा की जाती है, तो उसमें एक घंटे के अंदर 400 पीस निकालती है मशीन। तो स्याही डाली जाती है उसमें, और एक जो होता है एक पर्दे टाइप का होता है, जैसे ही उस पर स्याही डाली ऊपर तो नीचे वो छपका जाता है बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो जाता है हीटर के अंदर, गर्म होता है, और आगे जाके गिलास फिर लास्ट में उसका रिसेप्शन होता है। तो उसमें चेक किया जाता है कि जो मार्किंग है उसकी डॉट पूरी आई है या नहीं। डॉट का मतलब ये होता है कि जितने जैसे साल चलते हैं उस साल के हिसाब से डॉट कम कर दी जाता है, 2019 तो उसी हिसाब से डॉट दी जाती है। मार्किंग बिल्कुल ओके होनी पड़ती है, मार्किंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं चलती, ना ही कोई नोच आता है, जैसे एक दो टिक होते हैं उसके अंदर, वो भी पूरी कंप्लीट मार्किंग होती है। उसके बाद दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है बेंडिंग का, कि गिलास को शीशा जो होता है वो कभी भी सीधा नहीं लगता, उसको मोड़ दिया जाता है। तो उसके अंदर भट्टी के अंदर इसको ले जाया जाता है पाउडर लगा के। कोई कोई गिलास तो एक ही मोड़ दिया जाता है लेकिन दो परत होती है ऊपर नीचे, तो बीच में पाउडर डाला जाता है इसके, पाउडर पे लगाकर और इसको बेंडिंग मशीन के अंदर नीचे डाल देते हैं, जिससे वो हीटर में जाता है, और हीटर में जाने के बाद जब वो आता है वापस तो वो बैंड हो जाता है इसी से। बैंड होने के बाद फिर उसको चेक करते हैं कि हाँ इसका जो बीच का सेंटर का नाप है वो बिल्कुल सही है या नहीं, चार ओर का नाप चेक करके। फिर बाद में उसको ले जाते हैं, बीच में जो आप फिल्म देखते हैं एक रबर टाइप का होता है उसको डालते हैं। उसको डालने के बाद शीशा हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद फिर एक बार इनको जो है
साइड से पूरा इसका रबड़ काट दिया जाता है, सीलिंग होती है कहीं पे, सीलिंग पे कहीं पे फिल्म रह जाती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत भी डाउट होता है कि यहाँ से जो है इसमें गैस ना निकले, तो उस पूरी सीलिंग को देखते हैं, चेक करके अच्छी तरीके से फिर एक बार मशीन के अंदर देते हैं पूरा, उसको जो सीलिंग ख़राब हो जाती है उनको भी अच्छा कर देते हैं गिलास को। तो सारा कंप्लीट होने के बाद फिर इनको जो है एक गाड़ी में लोड करके, और फिर उसके बाद जो है इसको भेज दिया जाता है, या फिर जो भी प्लांट होता है जहाँ पर भी इसकी जो है ख़रीदारी की जाती है, जहाँ पर इनको मांगा जाता है। तो ये था बड़े गिलास का, जो छोटे गिलास होते हैं उनमें ऐसा फिल्म वगैरह नहीं लगती है, सीधा ही डायरेक्टली उनको बैंड कर दिया, कटिंग कर दी। और जो साइड गिलास देखते हैं आप, जो साइड मिरर होते हैं उनके जो भी बिल्कुल जस्ट लगे होते हैं गोल आकार के, ऊपर से छोटे और नीचे से जो है गोल होते हैं चौड़े, तो वे भी इसी कंपनी के अंदर बनते हैं। बहुत ही मैंने काम किया है, तो इसमें 3 शिफ्ट चलती थी, सुबह 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6, ये 3 शिफ्ट इस कंपनी के अंदर चलती थी। तो उस टाइम सैलरी इसमें 6000 थी। तो आप ये सोचते हैं कि मुझे इन बातों से क्या मतलब है, आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शीशे के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत। मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ मेरी कंपनी की स्टोरी और शीशे कैसे बनते हैं, क्योंकि आप मेरे सभी सदस्य हैं, व्यूवर्स हैं, तो आपसे पर्सनल लाइफ शेयर करना भी मेरा फ़र्ज बनता है, क्योंकि आप मेरे थोड़े पास्ट के बारे में जाने, कुछ मेरे बारे में जाने, तो इससे मुझे जो है बहुत खुशी होती है। और शीशे के बारे में और कोई आपको जानकारी चाहिए कि फिल्म कितनी mm की होती है, तो वो जो फिल्म होती है बीच में शीशा के जो पन्नी दी हुई होती है उसे फिल्म बोलते हैं, तो वो इतनी मजबूत होती है कि उसे जल्दी सी जो है न तो चबाया जा सकता है न जलाया जा सकता है, और काटने में वो एक कटर की तरह बहुत आसानी से कट जाती है, वैसे नहीं कट पाती है। तो ये कुछ बहुत ही बढ़िया कॉमन चीज़ है शीशे के अंदर। जो गैस वाला शीशा होता है वो तो एक बार में टूट जाता है, लेकिन इस पर आप हथौड़े बरसाओगे ना तब भी ये टूटने वाला नहीं है, इसमें बस त्रेड़ आ जाएंगी। और उसके कारण यही होता है कि जो फिल्म लगी हुई होती है उसके कारण ये शीशा बिल्कुल भी नहीं टूट पाता है। तो ये अब ये बात करता हूँ कि कितनी दूर कंपनी थी, वो कंपनी थी मेरे से 6-7 किलोमीटर दूर कंपनी थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि रात को, दिन को और सुबह 3 शिफ्ट उस कंपनी में मैंने की थी, तो मैंने इतना जो है काम एक कंपनी के अंदर किया हुआ है, वो भी शीशे का काम। कंपनी इतनी अच्छी थी कि साफ़ सफाई और खाने पीने का पूरा व्यवस्था था, और बस जो है रोज़ाना सुबह लेके जाती थी, और जो है जब भी हमारी छुट्टी होती थी तो देख के जाती थी, घर पे छोड़ के जाती थी, बस इतनी सुविधा हमें जो है कंपनी देती थी। अब बात करते हैं कि मेरे साथ भी कोई एक लड़का था मेरे साथ, तो फिलहाल वो अब भी उस कंपनी में लग रहा है, तो उसके साथ ही मैं आपके एक वीडियो बनाऊंगा, तो उससे मिलाऊंगा आपको कि वो अब भी फ़िलहाल कंपनी में, उसे जो है 6 साल हो गए उस कंपनी के अंदर, तो अब वो जो है जल्दी परमानेंट हो जाएगा, उसकी सैलरी भी अच्छी होने वाली है, उससे एक दिन मिलाऊंगा। तो आपके जो भी कमेंट होते हैं एक बार कमेंट नीचे ज़रूर कर दें कि आपको किस तरह का नॉलेज चाहिए थोड़ा बहुत। बहुत से हमारे कमेंट ये भी होते हैं कि हमारे व्यूवर्स के, कि गाड़ी का बिजनेस कैसे करें, और ट्रांसपोर्ट में गाड़ी लगाएं या फिर प्राइवेट गाड़ी लगाएं, गाड़ी को कहाँ पे लगाएं जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो और ज़्यादा हमें पैसा मिले, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा, बहुत ही आराम से वीडियो, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये वीडियो भी आपको देखने में थोड़ी लंबी लगे, लेकिन जो लंबी वीडियो होती है उसमें सच्चाई होती है। अब मैं 3-4 मिनट की वीडियो बना दूं तो उसमें ना तो अच्छे तरीके से आपसे बात हो पाती है, नहीं आपको कुछ इंटरेस्ट हो पाता है, जब तक हमारा टॉपिक शुरू होता है तब तक हमारी वीडियो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा एक आपको बताऊंगा कि उसमें कि कैसे आप एक ट्रांसपोर्ट में गाड़ी लगाएं, कितना आपको पैसा मिलता है, कितना प्रॉफिट होता है, महीने में आप कितना गाड़ी से कमा सकते हैं, कितना जो है कंपनी देती है, कितना परसेंट GST लगता है, सभी चीज़ें आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि उस वीडियो के लिए मुझे बहुत सा जो है एकजुट सभी चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि एक अच्छा वीडियो मैं बना सकूँ सभी। अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्यूवर्स।